यहाँ पे एक हमारे पास S7H है, जिसका ये देखिए गलती से पत्ता काट दिया गया है, यहाँ से पत्ता कटा हुआ है, ये देखिए इसका पत्ता हम चेंज करेंगे, ये देखिए यहाँ से भी कटा हुआ है। ये हमने एक डिस्प्ले थी S7H की जो टूटी हुई थी, उसका पत्ता निकाल लिया है, वही पत्ता रीयूज़ करेंगे, पुराना पत्ता ही हम इसका लगाएंगे। अब यहाँ पे जो टच का पत्ता है उसको हम अलग करेंगे पहले, ये देखिए किस तरीके से करेंगे। ये BST स्पेशल लिक्विड हमने इसमें डाल दिया, हीटिंग कर रहे हैं और देखिए कितने आराम से पत्ता अलग हो गया, क्योंकि हमने इस तरीके से इसलिए किया क्योंकि ये वाला जो टच का पत्ता है वो हम दोबारा लगाएंगे, देखिए बिल्कुल प्रॉपरली उतर गया। उसके बाद ये हमने यहाँ पे लिक्विड डाल दिया और अब हम इस पत्ते को देखिए किस तरीके से रिमूव करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया और थोड़ा सा हीट होने देंगे, केमिकल डाल देंगे और धीरे धीरे इसको रिमूव करेंगे। इसको हमने काफ़ी ध्यान से करना है और जो यहाँ पे IC लगी होती है कॉफ IC, उसका ध्यान रखना है, वो नहीं ख़राब होनी चाहिए, यहाँ पे कॉफ IC होती है। ये OCA की वेस्ट शीट है जिससे हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम रिमूव करते हैं, ये देखिए पत्ता कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। यहाँ देखिए आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे होंगे पत्ते के ट्रैक, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक केमिकल है, ये हम लगा रहे हैं, ये आपको जेल फॉर्म में नज़र आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सूख गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम जेल फॉर्म में लगा देंगे। और ध्यान रखना है ज़्यादा ऊपर नहीं लगाना, जो कॉन्टैक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं पे लगाना है, वहीं से हमें ग्लू साफ करना है। अब हम इसको क्लीन करेंगे, आप क्लीन करने का प्रोसीजर देखिए, यहाँ पे हमने एक ग्लास लगा दिया है, जिस तरीके से हम क्लीन कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी क्लीन करना है इसको। ये क्लीनिंग फॉर्म होता है, ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो बाय भी कर सकते हैं, इस क्लीनिंग फॉर्म की मदद से हम ये क्लीन कर रहे हैं। जिस तरीके से हम क्लीन कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी क्लीन करना है इसको। अब जो पुराने फ़ोन में से फ्लेक्स निकाली थी वो हम क्लीन करेंगे, देखिए उसी जेल फॉर्म में जो लिक्विड है, वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, इस वक्त जेल हो गया है तो भी हम इससे क्लीन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको हम क्लीन करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, यहाँ पे थोड़ी देर हो गई है, अब हम इसको क्लीन करेंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट हमने इसको छोड़ दिया था ताकि जो ग्लू है वो थोड़ा सा फूल जाए, अब हम इसको क्लीन कर देंगे। जो वाइट वाइट कलर का ग्लू है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है, ये देखिए आपको थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट नज़र आ रहा है, बाकी सारे गोल्डन ट्रैक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इस टूथपिक की मदद से हम इसका ग्लू साफ कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे गोल्डन कनेक्शंस पूरे नज़र आ रहे हैं, प्रॉपरली चमक गए हैं।
ये ACF टेप है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये ACF टेप हमने लगा ली है। और इसको हम पहले देखिए किस तरीके से लगा रहे हैं, पहले दोनों साइडों से लगा लिया हमने। इसको प्रेशर डाल के हम दबा रहे हैं ताकि ये प्रॉपरली इससे चिपक जाए। यहाँ पे आप मोटी ACF टेप लगा सकते हैं, या अगर हमारे पास पतली है तो डबल करके भी आप इसको लगा सकते हैं। दूसरी टेप को खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही टेप से हम दो बारी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास मोटी ACF टेप नहीं है तो इसी को आप दो बार लगा सकते हैं। हमने जो दूसरी लगाई है उसी पे प्रेशर देंगे, दूसरी वाली को करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अब इस तरीके से हमने ये रिमूव कर लिया और ACF टेप फ्लेक्स पे लग गई है, आप देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पे हमने इस पे टेप लगा ली है बॉन्डिंग की जगह से नीचे नीचे। यहाँ पे आप ट्रैक देख सकते हैं डिस्प्ले के बिल्कुल ओके हैं। अब हम आगे काम करते हैं। यहाँ पे हमने कम्प्लीटली ये सेट कर दिया है, अलाइनमेंट कर चुके हैं। अलाइनमेंट वीडियो जो आप मशीन बाय करते हैं तो उसके साथ आपको मिल जाती है। तो अब हम पंचिंग करेंगे। ये देखिए ये फ्लेक्स की पंचिंग हो रही है। इसके बाद हम आपको डिस्प्ले ऑन करके दिखाएंगे। पंचिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम आपको इसको ऑन करके दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडसेट ऑन हो गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हैंडसेट ऑन हो गया है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए देखते रहें बेस्ट सर्विसेज चैनल को।